इनके पास लैंड आगे 200 एकड़ आगे मौजूद है, ये नहीं है कि आगे अभी लेंगे परचेज करेंगे, तो उसकी वजह से रेट्स में काफ़ी फ़र्क आया है और इंशाल्लाह आगे आपको फ़र्क देखने को मिलेगा भी। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, आई एम बालला चौधरी फ्रॉम नसीम मार्केटिंग। जैसा कि आपको पता है नसीम मार्केटिंग डेली के बेसिस पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का आपको विजिट भी करवाती है और डिटेल से ब्रीफ करती है कौन सा हाउसिंग प्रोजेक्ट बेस्ट है। तो इसी तरह आज हम हरम सिटी की बात करेंगे। हरम सिटी की आपको पहले भी काफ़ी वीडियोस मिल चुकी हैं हमारे चैनल पे और हम आज इसकी थोड़ा सा हम डिटेल से हम बात करेंगे कि यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, क्योंकि हमारे काफ़ी क्लाइंट्स की ना क्वेश्चन वगैरह होते हैं कि ये हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करें, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये काफ़ी दूर है सोसाइटी। तो मैं आज डिटेल्स थोड़ा सा बताऊँगा कि सोसाइटी इस टाइम करंटली कहाँ मौजूद है। एक तो क्योंकि ओवरसीज क्लाइंट के क्वेश्चंस होते हैं, वो आ नहीं सकते वहाँ पे ही, उन्होंने बैठ के इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो उनको मैं डिटेल से ब्रीफ करूँगा। और तो हम पहले बात कर लेते हैं हरम सिटी जो कि मार रोड से हम 15 मिनट की ड्राइव पे है, क्योंकि मार रोड से पहले हम 20 से 25 मिनट लग जाते थे क्योंकि रोड का बहुत इशू था। तो रोड यहाँ के कारपेट हो गए हुए हैं, सगियाँ रोड जो है मार रोड का खासा कारपेट हो गया हुआ है और इसकी कारपेट भी 4-lane कारपेट हुआ है और बड़ा अच्छी उन्होंने रोड कारपेट की है। और उसके अलावा शरपुर रोड जो है, जो कि जिसको हम गेड़ा वाला रोड भी कहते हैं, तो वो रोड भी इन्होंने कारपेट कर दी हुई है। तो उसकी बनस्बत रेट्स में काफ़ी फ़र्क आया है और इंशाल्लाह आगे आपको फ़र्क देखने को मिलेगा भी। तो लोकेशन के अतबार से सोसाइटी बहुत अच्छी है क्योंकि फैजपुर इंटरचेंज से आपको जो है 5 मिनट की ड्राइव पर 4 से 5 किलोमीटर में आप हरम सिटी पहुँच जाते हैं। तो उस एतबार से देखा जाए तो फोकर न्याज बेग से आप 15 मिनट में, 10 से 15 मिनट में फोकर न्याज बेग से आप पहुंच जाते हैं। तो और क्या चाहिए, अगर आप गाड़ी के थ्रू आते हैं तो तब भी बहुत अच्छी इसकी लोकेशन है। और उसके अलावा अगर आप बाइक पे भी आते हैं या मार रोड से आते हैं तो मार रोड से भी आपको अब साफ आपको रोड देखने को मिलती है, तो लोकेशन के अतबार से बहुत अच्छी है। और दूसरी इसमें एक चीज़ और है कि जिस तरह आप प्राइवेट रोड पूरा एक मेन हब है जहाँ पर आपको सोसाइटीज आपको काफ़ी सोसाइटीज देखने को मिलती हैं हमें, इस तरह यहाँ पे भी आपको काफ़ी सोसाइटीज 13-14 सोसाइटीज़ यहाँ पे इस रोड पर मौजूद है जो कि पहले आ जाती है। मतलब मेन मेन सोसाइटीज़ की बात कर लेते हैं जो कि हरम सिटी के फेसेस हैं, उसके अलावा अल नूर का है, अल जलील है, अल राजिक है, शादमान इंक्लेव है, काफ़ी सोसाइटीज़ जो हैं ये मेन मेन मैंने बताई हैं। राजिक आ जाती है, अल हरम सिटी जो जिसकी हम वीडियो कर रहे हैं, तो अल हरम सिटी अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो काफ़ी एतबार से अच्छी है। तो साथ साथ हम इसकी बात कर लेते हैं तो डेवलपमेंट की भी, डेवलपमेंट और उसकी डिलीवरेंस की सबसे मेन चीज़ होती है डेवलपमेंट और डिलीवरेंस। अगर डिलीवरी ना हो तो वो सोसाइटी का क्या करना है हमें, तो उस एतबार से भी ये सोसाइटी खासा अच्छी है क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम से पहले यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है और टाइम से पहले लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। तो और लोग और हमें क्या चाहिए, या हमने खुद इन्वेस्टमेंट करनी है या ब्रांड में, तो हमें इससे बेहतर और क्या इसमें चाहिए। तो रीसेल भी आ जाता है, रीसेल भी इसकी बहुत अच्छी है। तो 1.5 साल के अंदर इन्होंने ये जितनी भी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं तो ये 1.5 साल के अंदर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक और ए सेक्टर की इन्होंने डेवलपमेंट की है और ये तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको आने वाले जो 2 साल हैं इस रोड के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि जिस तरह ही ये इंशाल्लाह मुल्की हालात थोड़े से बेहतर और होने हैं तो आपको यहाँ पे प्लॉट्स के रेट्स भी रिवाइज होने हैं, रेट्स चेंज हो जाने हैं। तो हम ये देख लेते हैं, हम मैं भी रेट बताता हूँ तो हम ये भी देखेंगे कि रेट के अतबार से भी यहाँ पर आपको सोसाइटीज इतनी जल्दी आपको डिलीवर नहीं करती। तो उस हिसाब से भी देखें तो हमें बहुत कम टाइम के अंदर डिलीवर कर रही है। तो हम पहले बात कर लेते हैं 5 ईयर का प्लान है इसकी, हम बात करेंगे 5 ईयर का। और पहले ही मैंने इसकी वीडियो की, आज मैं डिटेल ब्रीफ इसलिए कर रहा हूँ कि हर बंदे को आसानी से पता लग जाए कि बैठे घर बैठे कि हम कैसे यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करें या कैसे यहाँ पे रेट्स हैं। तो 5 ईयर का प्लान है, इसमें 4 कटिंग्स हैं जो कि 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला हमारे स्क्रीन पे भी आपको देखने को नज़र आ रही होगी। और 3 मरला जो है 12 लाख है, इसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड नहीं है। काफ़ी क्लाइंट काफ़ी रेलेटिव बताते नहीं हैं लेकिन ये चीज़ मेन है कि इसमें जो है
डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड नहीं है, जो कि पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस 1.5 लाख हैं, जो कि अगर हम 3 मरला अगर आप लेते हैं तो ये 3 मरला के रेट पहले बात करें, 3 मरला 12 लाख है, 5 मरला जो है वो 20 लाख है, इस तरह आगे 7 मरला है और आगे 10 मरला है। तो ये आगे इसकी हम अगर डाउन पेमेंट की बात करें 3 मरला की, तो 3 मरला जो है आपको 1,80,000 रुपया डाउन पेमेंट है। एक कम पेमेंट के अंदर आप इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि आप 6 मंथ के अंदर आपको नंबर भी आप लगा सकते हैं। अगर आप इसका 5 से 6 लाख रुपया अगर आप यहाँ पे दे देते हैं सोसाइटी को, तो वो आपको नंबर के साथ जो कि ऑन ग्राउंड जहाँ पे डेवलपमेंट हुई होगी, जहाँ पे आपको रोड्स मिलेंगे, उस जगह आपको नंबर लगा के प्लॉट भी दे देंगे। तो इसका एक और प्लान भी है, 3 ईयर का भी है, तो उसका भी मैंने आपको हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। उस पर आपको ये है कि अब कैश आप डाउन पेमेंट और बेल्टिंग चार्जेस देंगे, 50% का आपको कलेक्शन मिल जाता है। इस तरह इसी का है, इसमें अभी अगर आपने किसी पास पैसे कम है वो 1,80,000 दे, तो और बाकी मंथली इंस्टॉलमेंट देना शुरू हो जाए, जो कि 7,500 इंस्टॉलमेंट है इसकी मंथली 3 मरला की, तो वो दे जिस तरह पेमेंट आती रहती है तो वो पे करे, तो वो साल के अंदर जो है पोजेशन ले ले, 1.5 साल में ले ले, वो उसकी मर्जी है। जिस तरह ही हाफ पेमेंट पे करेगा तो पोजेशन मिल जाएगा। 5 ईयर का प्लान है साथ ही, फिर आगे बेल्टिंग चार्जेस जो है वो 5 ईयर के बाद जो है वो बेल्टिंग चार्जेस देगा। तो इससे अच्छी क्या इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपको पोजेशन भी मिल रहा है, आपको नंबर के साथ प्लॉट भी मिल रहा है, आपको ये तो एटलीस्ट पता है कि आप जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे आपको इस चीज़ का खदशा नहीं है कि डिलीवर नहीं करेंगे। और मेन मजे की चीज़ ये है कि सोसाइटी में रजिस्ट्री इंतकाल आपको बहुत कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप अगर टोटली पेमेंट पे करते हैं तो आप रजिस्ट्री इंतकाल भी करवा सकते हैं, तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ ये सोसाइटी उन सोसाइटीज में होता है जहाँ पे आप उस सोसाइटी से अप्रूवल हों, उनको NOC मिला हो, तो यहाँ पे इस चीज़ का कोई खदशा नहीं है। और इनकी रिसेंटली एक और एक्सटेंशन आई है जो कि 2 वीक्स पहले, तो उस इनके पास लैंड आगे 200 एकड़ आगे मौजूद है। ये नहीं है कि आगे अभी लेंगे परचेज करेंगे फाइलें पहले भेज देंगे, ऐसा नहीं है। तो एक मेन चीज़ ये है कि ओपन फाइल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ओपन फाइल्स जिस तरह आप देखने को मिलती हैं, ओपन फाइल रख लेते हैं लोग और बाद में वही फाइल्स जो हैं लोग जो सेल करने आते हैं, तो वो जिन्होंने पेमेंट पे की होती है, जिन्होंने नाम पे करवाई होती है एंड यूज़र ने, वो जब सेल करने आते हैं कि मुश्किल आए कि सेल करनी हो तो वो सेल नहीं होती, वही उनकी माइनस में जा रही होती है फाइल। यहाँ पे इस चीज़ का कोई इशू नहीं है। एंड यूज़र का यहाँ पे ज़्यादा रुझान है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए अच्छी है कि आप 6 महीने रखते भी हैं तो 6 महीने में आपका प्लॉट यहाँ पे एक तो नंबर के साथ मिल जाएगा, और उसके अलावा आप यहाँ पे रीसेल भी करते हैं तो रीसेल में भी आपको अच्छे पैसे बच जाएंगे। तो यही सब आपको बताना था। तो इंशाल्लाह आपने यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताता चलूँ इसी वीडियो में कि अगर किसी ने रहाइश बनानी है, किसी ने घर बनाना है, तो वो भी हमारे से हम रब्ता कर सकते हैं। तो इंस्टॉलमेंट भी हम क्योंकि यहाँ पे एक प्लान भी इंशाल्लाह आपको कुछ टाइम के अंदर इंस्टॉलमेंट पे भी हम घरों का भी निकाल रहे हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट मैंने जिस तरह को सारा बताया, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट भी से बहुत अच्छी है। तो आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है ओवरसीज क्लाइंट के लिए, ख़ासतौर पे आप वहाँ घर बैठे आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिला झिझक। तो इंशाल्लाह कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हरम सिटी के रिलेटेड, या किसी और सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी इसी नंबर पर है। तो इंशाल्लाह हम आपको पूरा टोटली आपको बेहतर ब्रीफ करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।